स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया पार्ट पढ़ेंगे। इसको आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं विद्युत फ्लक्स। हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है। कोई भी आवेश जहां तक अपना बल लगाता है या जहां तक उसके बल का अनुभव हो सकता है, उसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी नापने के लिए हमने आपको बताया था कि इसकी माप करने के लिए हम लोगों ने एक भौतिक राशि पढ़ी है जिसे तीव्रता कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को उसकी क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक दूसरे प्रकार का भी एक भौतिक राशि का हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। सामान्यतः किसी भी आवेश, कोई भी आवेश हो, मान लिया ये धन आवेश है और एक दूसरा एकांक धन आवेश आप रख दें, तो ये एकांक धन आवेश इससे दूर जाएगा और एक रास्ते पर चलेगा। इस क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस रास्ते पर चल रहा है, हम इसको भी क्षेत्र रेखा कहते हैं। समानता क्षेत्र रेखा को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से किसी भी आवेश से बहुत सारी बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनकी संख्या अपरिमित हो सकती है। विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो हमेशा धनावेश के चलने की दिशा को माना जाता है। अर्थात अगर धनावेश होगा तो धनावेश से जो बल रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर निकलेंगी, उनकी दिशा बाहर को होगी और वो इसके केंद्र से आता हुआ मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि वो ऋण आवेश हो तो बल रेखाएं उसकी ओर आती हुई मालूम पड़ेंगी। ऐसा माना गया है कि बल रेखाएं उसकी ओर आती हैं। और अगर दो आवेश हों, दोनों धन आवेश हैं, तो बल रेखाएं मुड़ जाएंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ये, इसलिए वो एक दूसरे को छुएंगे नहीं बल्कि दूर से मुड़ जाएंगी। और अगर ऋण और धन आवेश हैं तो ऋण से धन की ओर जाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया ये एक आवेश धन यहाँ है और एक आवेश धन यहाँ है, तो इससे निकलने वाली बल रेखा इधर को चली जाएगी, इससे निकलने वाली इधर को चली जाएगी, इसी तरह इधर को चली जाएगी, इधर को चली जाएगी, और इस तरह से ये बल रेखाएँ बाहर को निकल कर चली जाएंगी। इसी प्रकार अगर ऋण होगा तो बल रेखाएं होंगी, चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो। किंतु यदि धन और ऋण है, एक धन आवेश है और ऋण आवेश है, तो धन आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर जाती है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, जिन्हें हम बल रेखाएं भी कहते हैं, ये क्षेत्र रेखाएं जहाँ से निकलती हैं वहाँ से हमेशा लंबवत निकलती हैं। उस पृष्ठ से हमेशा लंबवत दिशा में ही रहेंगी, लंबवत निकलेंगी और लंबवत प्रवेश करेंगी। इन्हें किसी भी आवेश पर से लंबवत निकलती हैं और यदि ऋण आवेश होगा तो लंबवत उसमें जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र जो कार्य कर रहा है उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी इस बिंदु पर ये विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा हमें जानते हैं कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ पर नज़दीक नज़दीक हैं, यहाँ ये दूर दूर हैं।
यहाँ पर तीव्रता अधिक है, यहाँ पर तीव्रता कम है, यानी ये तीव्रता को बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उससे हमको तीव्रता का पता चलता है। यानी क्षेत्र रेखाओं की दूरी कम होगी वहाँ पर तीव्रता अधिक होगी, जहाँ क्षेत्र रेखाओं की दूरी अधिक होगी वहाँ तीव्रता कम होगी। इस प्रकार से इनके दूरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी क्षेत्र रेखाएँ हैं ये तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं, या तीव्रता इन बल क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, क्षेत्र रेखाओं की बीच की दूरी है, या क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, ये तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है या किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्षेत्र है, ये है क्षेत्र रेखाएँ जा रही हैं किसी बिंदु से निकल करके, यहाँ पर किसी कोई एक क्षेत्र है ए, यहाँ से जाने वाली इतनी क्षेत्र रेखाएँ हैं और इतने ही बड़ा क्षेत्र यहाँ है, इसमें से जाने वाली क्षेत्र रेखा कम है तो यहाँ पर तीव्रता कम होगी, यहाँ तीव्रता अधिक होगी। हमें कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र फल के लंबवत जो क्षेत्र रेखा जा रही है उसकी संख्या भी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह से हम तीव्रता की माप इन क्षेत्र रेखाओं से भी करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ये क्षेत्र रेखाओं की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। एक तो ये क्षेत्र रेखाएं जहाँ से निकलती हैं उस बिंदु से ये लंबवत निकलती हैं, उस पृष्ठ से लंबवत होती हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। दो क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएँ आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर दो दिशाओं में परिणामी तीव्रता की दिशा होगी और ऐसा संभव है, इसलिए क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इन्हीं क्षेत्र रेखाओं के आधार पर हम विद्युतीय फ्लक्स का भी अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक पृष्ठ है, एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्रफल से जो लंबवत बल रेखाएं जा रही हैं, इसके लंबवत निकल रही हैं बल रेखाएं, चूंकि ये पृष्ठ समतल है, हम इस प्लेन पर दिखाएंगे तो रेखा ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन ये इसके लंबवत हैं, तो इसके लंबवत जो भी जितनी भी बल रेखाएं जा रही होंगी टोटल, इन्हीं को हम फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ के लंबवत संपूर्ण बल रेखाओं को उसका विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि ये विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत संपूर्ण क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यदि ये मान लीजिए इसका हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, एकांक क्षेत्रफल लिया, तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जो बल रेखाओं की संख्या होती है सामान्यतः उसे हम तीव्रता से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम तीव्रता कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जो बल रेखाओं की संख्या है वो तीव्रता है ई, यानी तीव्रता ई एकांक क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या एकांक क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अगर मान लीजिए हमारा एकांक क्षेत्रफल है तो इसके लंबवत जितनी भी क्षेत्र रेखाएं होंगी वही ई होगा। इसलिए यदि हमने कोई भी एक पृष्ठ लिया, बड़ा पृष्ठ लिया,
हमको इसका फ्लक्स निकालना है, तो इसका एक छोटा क्षेत्रफल अगर हम ले लें, छोटा क्षेत्रफल जिसे हम कह सकते हैं ds, तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत बल रेखाओं की संख्या हो गई e, इसलिए इसके लंबवत बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी e ds, यानी ds पृष्ठ का फ्लक्स बराबर हुआ ई डी एस। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ये लंबवत बल रेखाएं होनी चाहिए। लंबवत बल रेखा होने का ये मतलब हो गया कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है इसकी दिशा बल रेखाओं के लंबवत भी हो सकती है, बल रेखाओं से कोई कोण बनाते हो सकती है, बल रेखाओं के समानांतर हो सकती है। तो ये उसको इस तरह आप समझ लें कि मान लीजिए हमने क्षेत्रफल को ऐसे ना देख करके क्षेत्रफल को ऐसा रखें, इस पृष्ठ के ऊपर ही हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की ये लाइन हमको एक दिखाई पड़ेगी और उसका आपको हमको लंब दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा क्षेत्रफल है या यानी आपका, और इसके ये इसका लंब है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल जो होता है किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको एक हम वेक्टर लेते हैं तो उसकी यही दिशा भी होती है, यानी ये जो दिशा होती है ये इसके क्षेत्रफल की ये दिशा है, और इसका जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल इसका परिमाण और इसको वेक्टर में प्रदर्शित करेंगे तो इसकी दिशा हो जाएगी ठीक इसके लंबवत दिशा में, यानी इस दिशा में। तो ये इसकी दिशा है, इसी की दिशा में क्षेत्र रेखाएँ होनी चाहिए। मान लिया हमारी क्षेत्र रेखा इस दिशा में है, अगर हमारी क्षेत्र रेखा इस दिशा में होगी, इसके साथ इस लंब के साथ अगर थीटा कोण बनाता है, तो एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली क्षेत्र रेखा अगर ये मान लीजिए ये ई है, तो इस दिशा में इसका घटक आ जाएगा ई कॉस थीटा। इसलिए अगर ये पूरा क्षेत्रफल हम ले लें तो क्षेत्रफल ये तो एकांक क्षेत्रफल से जाने वाला है, और इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल से जाने वाले जो फ्लक्स हो जाएगा फाई, वो बराबर हो जाएगा यस मान लिया क्षेत्रफल है इंटू ई कॉस थीटा। और वेक्टर में अगर इसको लिखते हैं हम तो इस तरह लिखते हैं यस डॉट ई, यानी ये ई और यस का डॉट गुणनफल है। यहाँ भी इसको हम अगर प्रदर्शित करें इस डी एस क्षेत्रफल से जाने वाला फ्लक्स तय हो जाएगा ई डी एस, इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल का संबंध फ्लक्स, इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ ये संपूर्ण पृष्ठ है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध माने से जाने वाला, संबद्ध माने बंधा हुआ लिंक्ड, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध यानी लिंक्ड फ्लक्स विद्युतीय फ्लक्स है, इसलिए इसको फाई ई कहेंगे, ई माने इलेक्ट्रिक, फाई माने फ्लक्स। ये बराबर हो जाएगा जब हमको इस छोटे से क्षेत्रफल से संबंध फ्लक्स पता है, इसी का हम समाकलन कर देते पूरे का मालूम हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी एस, ई डी एस समाकलन कर दिया। यही इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे जो हमारा पृष्ठ है इससे संबंधित फ्लक्स हो गया। तो किसी भी पृष्ठ संबद्ध फ्लक्स बराबर होता है ई डी एस, इसका समाकलन, ये डॉट गुणनफल है क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं, जब डॉट गुणनफल करेंगे तभी लंबवत दिशा का इसका मान हमें ज्ञात होगा। ये तो हो गया इस संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। मान लीजिए हमको निकालना है फ्लक्स किसी बंद जगह का, बंद पृष्ठ, चारों तरफ से बंद, कोई गुब्बारा है या कोई गेंद है, उससे संबंध अगर फ्लक्स निकालना होता है तो लिखा यही जाएगा, लेकिन हम इसमें गोला बना देते हैं। किसी बंद पृष्ठ
से संबद्ध फ्लक्स फाई, ये बराबर हो जाएगा, ये गोला बना दिया तो बंधे पृष्ठ हो गया। और इस समाकलन चूंकि हम सरफेस के ऊपर लेते हैं, पृष्ठ के ऊपर लेते हैं, इसलिए इसको यस भी लिख देते हैं। यस का मतलब ये हमने समाकलन किया है, तो यस का समाकलन किया है, तो ये हमारा है यस। और ये बराबर हो गया ई डी एस। किसी भी फ्लक्स का मात्रक दिख रहा है, स्पष्ट है कि इसका जो मात्रक होगा, वो मात्रक ई, ई का है न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब ई का हो गया, और डीएस का हो गया मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, ये इसका मात्रक हो गया। इसके विमा भी हम निकाल सकते हैं, विमा ये बराबर हो जाएगी, न्यूटन का विमा है यम यल टी की घात माइनस दो, न्यूटन बल है, बल की होती है यम यल टी की माइनस दो, ये कूलम्ब है, कूलम्ब व्युत्पन्न मात्रक है, धारा धारा अगुणे समय, ये बराबर कूलम्ब, और ऊपर है मीटर स्क्वायर, मीटर बराबर होता है यल की घात दो, तो ये बराबर आएगा यम यल टी माइनस दो और यल स्क्वायर, इसको जोड़ दें, यल की दो और यल की यहाँ एक बराबर यल की तीन, तो यम यल की घात तीन टी की माइनस दो अपान आई का है ए एम्पियर और टी का हुआ टी, इसलिए इसकी बीमा हो जाएगी यम एक यल तीन टी, एक टी ए भी है ऊपर जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा टी माइनस तीन और ए माइनस वन, ये विद्युत फ्लक्स का की बीमा है, ये इसका मात्रक है। इसमें यद्यपि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने बल के रूप में पढ़ा, एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल, इसको हम इस रूप में भी क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में भी इसको हम पढ़ते हैं, ये विद्युतीय क्षेत्र निकालने का दूसरी भौतिक राशि है, जिसे हम ग्राफ की विधि कहते हैं या रेखाओं की विधि कहते हैं, क्षेत्र रेखाओं की विधि कहते हैं। और इस प्रकार से हमने इसी रेखाओं की संख्या के वो हमने तीव्रता लेकर के और इस तरह से हमने फ्लक्स निकाल लिया है। आज इतना ही, धन्यवाद।